दुनिया के अलग अलग देश अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए समय समय पर मिशन भेज रहे हैं। भारत भी उनमें से एक है। चांद की धरती पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और सूर्य का रहस्य पता लगाने के लिए आदित्य L1 को भेज। बता दें कि 2023 का अगस्त और सितंबर महीना भारत के लिए काफी खास रहा। दरअसल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी के साथ चांद की सतह पर उतरा, तो वहीं 2 सितंबर को भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को सूरज के रहस्यों को जानने के लिए रवाना किया गया। आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर के सफर पर आगे बढ़ रहा है। चांद और सूरज की सफलता के बाद अब है सागर की बारी, यानी भारत अब समुद्र मिशन पर भेजने के लिए तैयारी कर रहा है और इस पर काम शुरू हो गया है। चलिए जानते हैं समुद्रयान मिशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और समुद्रयान को कब तक भेजा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज और मैं हूं साक्षी शर्मा आपके साथ। भारतीय वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई मापने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, भारत अपना पहला मानव युक्त समुद्री मिशन भेजने की तैयारी में जुटा है, जिसे नाम दिया गया है समुद्रयान। समुद्रयान प्रोजेक्ट पूरी तरह से स्वदेशी है। यह एक सबमर्सिबल है जिसका नाम मत्स्य 6000 रखा गया। इसे बनाने के लिए टाइटेनियम एलॉय का इस्तेमाल किया गया है, जिसे गहरे समुद्र में भेजने के लिए तैयार किया गया है। इस पनडुब्बी के जरिए 3 लोग समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जाएंगे। ये मिशन गहरे समुद्र में जाकर वहां के स्रोतों और जैव विविधता का अध्ययन करेगा। साथ ही समुद्र में कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज जैसी धातुओं की खोज करने में भी मदद करेगा। बता दें कि इसका व्यास 2.1 मीटर है और ये 12 घंटे के लिए 3 इंसानों को 6000 मीटर की समुद्री गहराई में ले जाएगा। आपको बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इसे 2 साल की मेहनत के बाद बनाया है। इसकी बारीकी से जांच की जा रही है। इसके सभी हिस्से फिलहाल बनाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि इस मिशन की लॉन्चिंग 2026 में होगी। समुद्रयान का उद्देश्य गहरे समुद्र में खोज और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के जरिए इंसानों को भेजना है। आमतौर पर पनडुब्बियां केवल 300 से 400 मीटर तक ही जा पाती हैं। बता दें कि इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 4100 करोड़ रुपए है और यह समुद्र के अंदर गैस हाइड्रेट, पॉलीमेटेलिक, मैग्नीज, नोड्यूल, हाइड्रोथर्मल, सल्फाइड और कोबाल्ट क्रस्ट और जैसे संसाधनों को खोजने के लिए भेजा जाएगा। ये चीजें समुद्र के अंदर 1000 से 5500 मीटर की गहराई में पाई जाती है। वहीं आपको बता दें कि 2024 की दूसरी तिमाही तक मत्स्य 600 के परीक्षण के लिए तैयार हो जाने की उम्मीद है। इसको टेस्टिंग के लिए चेन्नई तट से बंगाल की खाड़ी में छोड़ा जाएगा। उम्मीद है कि इस मिशन को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। सफल लॉन्चिंग के बाद भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के इलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। इन देशों के पास ऐसी गतिविधियों के लिए विशिष्ट तकनीक और वाहन उपलब्ध है। वहीं समुद्रयान मिशन से जुड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। मिशन में इस्तेमाल होने वाली मत्स्य 6000 की तस्वीरों को शेयर करते हुए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इसका निर्माण चेन्नई में स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान में किया जा रहा है। इसके साथ ही मंत्री ने कहा, समुद्रयान में गहरे समुद्र संसाधनों का अध्ययन करने वाली योजना समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को अस्त व्यस्त नहीं करेगी। यह योजना प्रधानमंत्री की नीली अर्थव्यवस्था वाली नीति का समर्थन करती है। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि लाभ के रूप में मिशन से वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इस मिशन से संपत्ति निरीक्षण, पर्यटन और समुद्री साक्षरता को भी बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।